आपके साथ। व्यवसायी हत्याकांड का हुआ सफल उद्भेदन, शूटआउट में दो अपराधी पुलिस के शिकंजे में। लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी इन आरोपियों को। व्यवसायी प्रतिस्पर्धा के कारण की गई थी कृष्ण मोहन कपूर की हत्या। गिरफ्तार आरोपी राजेश यादव और उनके भाई मुकेश यादव से कंपनी छीन जाने का लिया बदला। गिरफ्तार आरोपी वितेश कुमार ने अपने बयान में किया खुलासा। गौरतलब है कि 9 नवंबर को व्यवसायी कृष्ण मोहन कपूर को शोरूम में घुसकर अपराधियों ने मारी थी गोली। ये 9/11/18 को कृषि यंत्र व्यवसायी कृष्ण मोहन कपूर की जो दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उस मामले का भी पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन किया गया है। उसमें जो उनकी व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे राजेश कुमार और उसका भाई मुकेश यादव, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पुलिस को साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस मिला कि इन लोग के द्वारा पिछले एक साल से उनको मारने की साजिश रची जा रही थी। तो इसमें लोकल लेवल पे इन लोगों ने लाइनअप करने के लिए जो उसका ड्राइवर था बेचन उर्फ बितेश कुमार, इसके द्वारा अपराधियों से संपर्क साधा गया। उनको लाके लोकल लेवल पे लॉजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, खाना पीना रख रखाव सब उसके द्वारा किया गया। और अपराधियों से कितने में ये घटना करनी है उसका भी तय बेचन के द्वारा ही किया गया था। तो मुख्य रूप से लोकल लेवल पर जो लाइनर था वो बेचन था, और मुकेश और उसका भाई जो राजेश है, इन लोगों ने मिल के ये षड्यंत्र किया। और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग को याद हुआ, इसमें पता चला और प्लस इन लोग से पूछताछ के क्रम में जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें जो ये व्यवसायी थे जिनकी हत्या कर दी गई है, पहले इन्हीं के साथ यूनिवर्सल कंपनी जिसका फ्रेंचाइजी पहले मुकेश के पास था उसके ये एरिया मैनेजर थे, पर वो उस फ्रेंचाइजी की आड़ में कुछ अपने लोकल और डुप्लीकेट पार्ट्स बेचा करता था जिसपे लेबल यूनिवर्सल का लगा देता था। तो उसकी कंप्लेन इन जो डेड व्यवसायी हैं इनके द्वारा कंपनी को की गई थी, तो उसके कारण से उसकी फ्रेंचाइजी चली गई थी और पूर्णिया लेवल पर फ्रेंचाइजी इन्हीं कृष्ण कपूर को दी गई थी। तो उसके बाद ही तब से ये अपने मन में गांठ बांधे हुआ था कि इससे बदला लेना है, और एक साल से इनके साथ जो है प्रयास कर रहा था कि कैसे इनको रास्ते से हटाया जाए। इसी क्रम में फिर इसने अपराधियों के साथ साठगांठ करके और उनको पैसा दे करके अपराधियों को बुलवा के इनकी हत्या करवा दी। तो उस क्रम में अपराधी जो हैं दो शूटर, उन शूटर्स की भी पहचान कर ली गई है, और इसके बेचन के द्वारा ही बताया गया वो शूटर जो है कटिहार के थे, एक शंकर नाम का शूटर है, दूसरा विक्की नाम का शूटर है। वो दोनों अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर छापेमारी कर रही है, और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये दो कौन गिरफ्तार हुए हैं? बेचन गिरफ्तार हुआ है और राजेश गिरफ्तार हुआ है। मुकेश जो है, मुकेश अभी फरार है, उसका पुलिस जो है वारंट सिक्योर करेगी, और अगले एक हफ्ते में यदि नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस कांड में कुल कितने अपराधी नामजद हैं और कितने की गिरफ्तारी हुई है? नामजद अपराधी इसमें कुल तीन थे। उन तीन में से फिलहाल अभी पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिला है, नामजद में मनोज पंडित, किशोर मेहता और मुकेश यादव थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुकेश यादव पे डायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। मुकेश यादव, उसका भाई जो है राजेश, और उसके अलावा उसका जो ड्राइवर था बेचन, उसके ऊपर डायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। बाकी दो की क्या संलिप्तता है नहीं है ये मुकेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही तय किया जा सकता है। ड्राइवर किसका था? वो पूर्वे का ड्राइवर था? मुकेश का ड्राइवर था। कितने में से डील किया गया था हत्या के? डील कितने में हुआ था इसके संबंध में तो जैसा बेचन के द्वारा बताया गया है, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। इन्होंने कुछ अन्य अपराध कर्मियों को जो इस घटना में नहीं सम्मिलित हैं 12-14 लाख तक का ऑफर किया था, पर वो लोग इसमें घटना को कारित करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जो ये वर्तमान शूटर्स हैं इनको लगभग इन लोगों ने 10 लाख में डील करी थी, और उसके अलावा कुछ ज़मीन वगैरह भी देने का वायदा किया था। तो लगभग 10 लाख में डील हुई थी और कुछ ज़मीन का भी वायदा था। बाकी जब शूटर्स गिरफ्तार होंगे तभी ये क्लियर होगा कि वाकई में कितने पैसे का पेमेंट किया गया था और कितना बाकी था। तो अभी वर्तमान में पूर्णिया पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार करने के लिए कंटिन्यूसली रेड छापेमारी कर रही है। क्या उम्र हो सकता है इनका शूटर? शूटर जो है ये सब लगभग 25 साल की उम्र के हैं।